स्कूल में शिक्षक की कमी के मुद्दे को लेकर मुद्दा वीडियो बनाया था। इसको लेकर काफ़ी प्रयास के बाद आज शिक्षक की नियुक्ति हो पाई है, जिसके कारण आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाया है। जिला कवर्धा ब्लॉक पंडरिया के 30 किलोमीटर दूरी ग्राम बदना के प्राथमिक शाला में 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 2010 से एक ही शिक्षक हैं। अब इसको जोड़ दो आपस में, सुन, 5 का 5 होगा, 2 का 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? और यहाँ शिक्षक कितने हैं सर? शिक्षक अकेला है लगभग, मेरे ख्याल से मेरे पहले भी जो शिक्षक थे वो अकेले ही थे, वो 19/5/2010 से अकेले थे। का पढ़ाई जो है प्रभावित होता था, उसी दौरान एक शिक्षक की शाला होने के बाद भी मेरे को BLO का कार्य भी सौंपा जाता था। उसी दौरान आप आए और आपसे भी अपने स्कूल के जो भी समस्या है शिक्षक के कमी के संबंध में वो आपको अवगत कराया। शासकीय प्राथमिक शाला कौवानार जो है बंद हो गया, बंद होने के बाद यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला बदना में मर्ज हुआ, तो वहाँ के शिक्षक और बच्चे सब यहीं पर आ गए। तब से लगभग एक शिक्षक यहाँ पर कार्य सेवा दे रहे हैं। नया शिक्षक आने से बच्चों का तो पढ़ाई जो है सतत जारी है, उससे फायदा हुआ है, बच्चों का पढ़ाई जो है बराबर चल रहा है। अपने अधिकारी लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ स्कूल को मर्ज करने के बाद शिक्षक भेजे हैं, शिक्षक का व्यवस्था किए हैं, और उसके साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने भी सतत प्रयास किए हैं मेरे यहाँ शिक्षक व्यवस्था के लिए। समुदाय के प्रयास से शिक्षक की नियुक्ति संभव हो पाई। ग्राम बदना, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।